नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े विवादों के टावर ध्वस्त कर दिए गए। दोपहर 2:30 बजते ही बारूद से धमाका हुआ और पल भर में देश के सबसे ऊंचे टावर मलबे में तब्दील हो गए। इस ऐतिहासिक दृश्य को आज तक ने अपने हाईटेक कैमरों से रिकॉर्ड किया है। आपको हम दिखाते हैं कि जब ट्विन टावर ढहे तो वहां कैसा गुबार था, कैसा मलबे का अंबार था। देखिए, एक था ट्विन टावर। बेईमानी की बुनियाद पर खड़े आसमान को नापने वाले भ्रष्टाचार के टावर ढह गए। 103 मीटर और 94 मीटर की इमारतों का ढहना है उस सोच का जो अनैतिक है। इन इमारतों का जमींदोज होना है उस निरंकुशता का जो नियमों को ताक पर रखकर गाहे बगाहे खड़ी हो जाती है। करोड़ों रुपए लगाकर जो इमारतें बनाई गई, करोड़ों रुपए लगाकर वही इमारतें ढहाई गई। ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसे आज तक के हाईटेक कैमरों ने कैप्चर किया है। आज तक के कैमरे पर देखिए हर एंगल से किस तरह से सुपरटेक का ट्विन टावर ढहाया गया। स्लो मोशन में देखिए। दिखाने के लिए आज तक ने भी मुकम्मल इंतजाम किए थे। बता दें, बिल्कुल सामने की तरफ, आगे की तरफ गिरी है और मलबा जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल आगे की तरफ यू गिरा हुआ है। अगल बगल की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो दोनों ही 800 करोड़ की इमारतें थी वो जमींदोज हो चुकी हैं। डर और दहशत का आलम जो चारों तरफ फैला हुआ था लोगों के जहन में था, जिस फ्लोर पर हमारी मौजूदगी है यहां पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, अपने अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे थे। उनके भी मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा वाइब्रेशन यहां पर भी महसूस किया जाए। वो महसूस किया हमने, यहां पर खड़े होकर भी महसूस किया हमने, वो डर का आलम भी महसूस किया हमने। हजारों की तादाद में नीचे जो ग्रीन एरिया है, पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, उसमें लोग अपने अपने मोबाइल कैमरे के साथ थे, वो इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहते थे। और जैसे ही इमारत जमींदोज होती है, धराशायी होती है, गिरती है, जोरदार तालियां बजती हैं। इन तालियों के मतलब मायने क्या निकाले जाए? क्या आम आदमी ये उम्मीद कर रहा है कि इन दोनों इमारतों के जमींदोज होने के बाद हिंदुस्तान में अब दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी?
2:31 का समय था जब ट्विन टावर में धमाका हुआ। स्पेशल कैमरे से इसे बार बार देखिए, नजर नहीं हटा पाएंगे। ट्विन टावर ठह गया। उम्मीद कीजिए कि ये तस्वीरें सबक सिखाएंगी और भविष्य में भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी इमारत सर नहीं उठाएगी। चित्रा त्रिपाठी, राम किंकर, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरी खबर के दो पहलू हैं। पहले ये कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के कारण जिस इमारत को खड़ा किया गया था उसे तहस नहस किया गया, धराशायी कर दिया गया। दूसरा पहलू यह है, तकनीक देखिए किस तरीके से एक इतनी ऊंची इमारत को जिसके पास इतनी घनी आबादी है, इतने पास पास अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उसमें इतनी सफाई से एक इमारत को गिराया जाता है। अब इसकी तुलना आप अलग अलग विस्फोटकों से देखिए। अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो उसके 3 वॉरहेड के बराबर ये 3,500 किलोग्राम का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया इसके लिए। अगर हम ब्रह्मोस से तुलना करें तो 12 ब्रह्मोस वॉरहेड के बराबर होता है ये, और अगर हम पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो ये 4 पृथ्वी के वॉरहेड के बराबर होता है। अब सोचिए कि किस तरीके से वो पूरी प्लानिंग थी, कहां कहां पर वो पूरे विस्फोटक लगाए गए थे, किस तरीके से उसे ट्रिगर किया गया और आखिर में जब धमाका हुआ तो ये नीचे की तरफ बैठ गई इमारत। वरना आसपास की इन इमारतों को देखिए किस तरीके से, उनके ऊपर भी एक खतरा था। हालांकि बिल्कुल नजदीक जो थे, जिनको आप ढका हुआ देख रहे हैं, वहां तो लोगों को निकाल दिया गया था क्योंकि वहां ज्यादा मुश्किलें आ सकती थी, ज्यादा खतरा था, लेकिन आसपास पूरे इलाके को खतरा था। पर हमारे उन इंजीनियर्स को भी हम सलाम करना चाहेंगे जिन्होंने इसे अंजाम दिया है। हमारे साथ अर्पिता आर्या इस समय जुड़ रही हैं। अर्पिता सवेरे से वहां पर हैं, यानी एक एक पल तैयारियां, ये धमाका और उसके बाद आखिर में किस तरीके से अब लोगों की वापसी हो रही है, इस पूरे दौरान अर्पिता वहां पर आप बनी रही हैं। लोग आना शुरू हो चुके हैं घरों तक, लगभग 6:30 का समय था। बिल्कुल श्वेता, आपको मैं बताऊं, अब दो तरीके के लोग मेरे साथ इस वक्त हैं। एक वो जो सोसाइटी में जाकर अपना घर चेक कर चुके हैं कि उनका घर सही सलामत है या नहीं, और एक वो जो अभी जाने बाकी है, और उनको यहाँ रोकना आप समझिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि सबको इस समय टेंशन ये है कि पहले मैं अंदर जाऊं अपना घर देख लूं। पहले उनसे बात कर लेते हैं जो घर देखा है। घर ठीक है आपका? बिल्कुल परफेक्टली ओके। कुछ भी डैमेज नहीं हुआ? डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं, एक मतलब डस्ट भी नहीं है जो हम डस्ट भी नहीं अभी हम लोग अंदर गए थे। जब आपने घर छोड़ा था तो क्या सोच के कि कितना डैमेज होगा, जो सोचा था और जब घर देखा तो वो खुशी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ भी डैमेज नहीं हुआ? हम लोग जब छोड़ के गए थे तो हमने पूरा घर सील कर दिया था प्लास्टिक शीट्स वगैरह लगा के, और ये सोच रहे थे कि कम से कम कुछ हो सकता है ग्लास टूटे और डस्ट तो डेफिनेटली अंदर आएगी। लेकिन अभी जब अंदर जाके देखा तो ना डस्ट है ना ग्लास टूटे हैं, एकदम जैसा छोड़ के गए थे वैसा का वैसा है, कहीं कोई डैमेज नहीं दिखाई दे रहा। और पूरी जो हमारी जो टावर है करी करी सभी में ये है कि कहीं कोई डैमेज नहीं है। आपको तो अंदर अभी जाना है, बड़ी मुश्किल से आप रुकी हैं, कितना डर लग रहा है, क्या हालत हो? डर लग रहा है, हालांकि हम लोग सील पैक करके निकले थे घर से, लेकिन फिर भी हवा बहुत थी और धमाका बड़ा था तो डर लग रहा है कहीं जो सील किया था वो निकल ना गया हो और अंदर डस्ट ना गई हो। वैसे ऊपर वाले का शुक्र रहे सब ठीक रहे। आप? जी जी, बस हम जाके चेक करेंगे, वी आर वेरी एंग्शियस, बस देखना। शिफ्ट कब करेंगे आप यहाँ पर? शिफ्ट करेंगे प्रॉब्ली आज तो चेक करेंगे, वी कैन शिफ्ट टुमारो, शायद कल। कल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब जरा एक और तस्वीर श्वेता आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, स्नेक फ्रेंड रेस्क्यू टीम, ये आप देख रहे हैं, एक शख्स भी इसके साथ ही यहाँ पर नजर आ रहे थे। सर आपको बुलाया गया था, आप मुस्कुरा रहे? नहीं मैम। तो ऐसे ही मैम, जब लोगों के घर सुरक्षित नहीं है, वो लोग अपने घर देखने आ रहे हैं तो ये तो बेजुबान है, ये अपने घर कहाँ देखेंगे। ये मतलब रेस्क्यू ऐसा, ये बाइक क्यों, मतलब स्नेक रेस्क्यू टीम क्या मतलब इसका? मतलब ये है मैम कि इंसान जो होता है वो तो मुंह से कह के कह देता है भाई मुझे आज भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे मेरा घर ठीक लगेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन ये एक जानवर है, ये किसी से ये नहीं कहेंगे जाकर कि प्लस मतलब मुझे आप रेस्क्यू टीम से नहीं?
नहीं मैम, रेस्क्यू से हैं। रेस्क्यू से हैं तो आप यहाँ पर आपको बुलाया गया था अपने आप से आप चेक करने? धरती में जब कंपन होती है तो वहाँ पर जितने भी सांप वगैरह रहते हैं वो वहाँ पर बाहर निकलते हैं, कहीं पर भी विस्फोट होता है तो ये देखा गया है। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपनी तरफ से ये इस चीज को महसूस करते हुए कि कहीं उनको जरूरत न पड़े इनकी, तो वो उस रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आ गए। अर्पिता, मुझे यही लगता है कि दिन भर जिन लोगों से आपने बातचीत की है, लोग अपने अपनी चीजों के बारे में तो सोच रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आ रहे हैं जैसे उन स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत कोशिशें की गई थी कि कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए, जो दिवाली के पटाखों से जो डर जाते हैं वो ऐसे बड़े विस्फोट से कितना उन्हें मुश्किल होगा। पर एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी इस चीज के बारे में और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो ये कि बहुत सारे लोग जो देश भर में ये विस्फोट देख रहे हैं वो सोच रहे थे कि इतनी ऊंची इमारत थी, इसके किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता था। उनको जरा केस समझाइए कि क्यों इसका गिरना इतना ज्यादा जरूरी था। ये सवाल श्वेता, जब तक ये इमारत नहीं गिर रही थी, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ये कवर कर रहे थे उनके मन में भी यही सवाल आ रहा था, क्योंकि आप समझिए 300 से 400 लागत में ये इमारत बनकर तैयार हुई थी। आज प्रेजेंट इसकी स्थिति 800 करोड़ इसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इस समय इसकी प्राइस थी, लेकिन अभी फिलहाल जब ये धराशायी हुआ तो सबके मन में ये सवाल उठा कि आखिरकार क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्या इसको कहीं उठाकर शिफ्ट किया जा सकता था, कई सवाल ऐसे उठ रहे थे, लेकिन उन सब पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर ध्यान ये दिया गया क्योंकि इसको गिराना ही एकमात्र विकल्प लगा होगा और इसीलिए ये हुआ कि इसको गिराया जाए, क्योंकि हो सकता है इसको शिफ्ट करने पर विचार नहीं हुआ, क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे कि इसको कहीं शिफ्ट कर दिया जाता, इसे किसी और इस्तेमाल में किया जा सकता, लेकिन ये जरूरी था यहाँ पर श्वेता कि जिस जगह पर ये ट्विन टावर था यहाँ पर ये रहना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि आप अगर देखेंगी तो दोनों बिल्डिंग, अब अगर आप इसको कहीं उठाकर भी ले जाए तो एक तो इतनी बड़ी बिल्डिंग के साथ मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाता, इसलिए भी शायद इस पर विचार नहीं किया गया होगा, लेकिन हम आप जब देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए लगे हैं तो क्यों ना इसका कोई इस्तेमाल हो, ये सवाल हमारे और आपके जहन में आ रहा है, स्वाभाविक है ये, लेकिन इन पहलुओं पर स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है चर्चा हुई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया कि इसको गिराया जाए। इन दोनों इमारतों के बीच की डिस्टेंस भी अगर आपको याद हो, क्योंकि अब तो ये इतिहास हो गया, अब मैं वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकती, सिर्फ मलबा दिखा सकती हूँ, उसके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम थी। ऐसे में मलबे की नीलामी से जो वसूली होगी उससे इस बिल्डिंग को गिराने का जो खर्चा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिकवर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता, सुबह से आप बनी हुई थी, बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अर्पिता आर्या वहां पर लोगों से भी बात कर रही हैं, आपने सुना कि किस तरीके से वो लोग इस डर में है, जो नहीं जा पाए वो डर में है कि पता नहीं कैसा होगा घर, और जो देख आए वो कह रहे हैं कि न डस्ट है न कोई भी चीज इधर से उधर हुई है, बहुत राहत की बात है, और ये बता रही है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कैसी तैयारी कर ली थी। बहरहाल पूरा देश दम साधे ट्विन टावर को देख रहा था, हर किसी के मन में आशंका थी कि क्या यह महाविस्फोट कामयाब होगा, विस्फोट से किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ब्लास्ट का पूरा खाका इस तरह से तैयार किया गया था कि एक के बाद एक विस्फोट हुए और प्लान के अनुसार ट्विन टावर मलबा बन गया। इमारत जिसे बनने में सालों लगे, सैकड़ों करोड़ों का खर्च हुआ, वो सेकंडों में जमींदोज हो गई। पल भर में नस्तनाबूत हो गई नोएडा की दोनों गगनचुंबी इमारत। पल भर में मलबे में तब्दील हो गई आसमान को छूती दोनों बिल्डिंग।
तेज धमाके के साथ पल भर में दोनों इमारत भरभरा कर जमीन पर आ गई। मलबे का गुबार चारों तरफ बिखर गया और देखते ही देखते 32 और 30 मंजिला ट्विन टावर ध्वस्त हो गए। बारूदी धमाकों के शोर के साथ ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गए। भ्रष्टाचार की पहचान बने नोएडा की इमारत भरभराकर नीचे गिर गई। यानी करीब 6 महीनों से जिस ट्विन टावर को ढहाने की तैयारी चल रही थी, वो मिशन, वो एक्शन महज 10 सेकंड के भीतर पूरा हो गया। दोपहर के करीब 2:30 बजे ही ब्लैक बॉक्स यानी डायनामाइट बॉक्स में लगी ब्लैक नूमा नॉब को 9 से 10 बार घुमाया गया। लाल बत्ती की इंडिकेशन होती है ब्लास्ट के लिए, हरा बटन दबाया गया। तैयारी, हर एक प्लानिंग उसी तरह से रंग लाई जैसा सोचा गया था। दोनों टावर के कॉलम में कुल 9,640 छेद कर विस्फोट लगाए गए थे, जिसमें 3,700 किलोग्राम बारूद लगाया गया था। कोशिश यही थी कि एक बार धमाके की शुरुआत हो तो चंद सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग जमीन पर आ जाए। चेतन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वो लम्हे थे कुछ एक मिनट पहले, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, पूरे परिवार से मिले हैं, तो वो हमारे लिए वो बताइए कि वो लम्हा कैसा था, और जब आपको पता चला कि आप बटन दबाएंगे तब आपको उस समय क्या लगा था? आज से पहले काफी इंटरव्यूज में बताया है, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है एक्सप्लोसिव ट्रेडर्स का, उसमें आज से जब 1 साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो उनमें आया था कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ब्लास्ट किया जाएगा, एक्सप्लोसिव यूज होगा। मैंने प्रे टू माय गॉड कि शायद काश ये काम मुझे मिल जाए। आप चाहते थे कि ये काम आपको मिले? बिकॉज़ ऑफ कोर्स मैम, मेरे ख्याल से ऐसे इंडियन ब्लास्टर कोई भी नहीं होगा जो नहीं चाहता था। अच्छा, कोई आपका ये कहना है कि कोई ऐसा इंडियन ब्लास्टर नहीं था जो ये काम नहीं चाहता था, तो आप प्रे कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ऐसा ही हो कि इसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए? नहीं, बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए, ध्वस्त करने वाले मैं ही हूं। ध्वस्त करने वाले आप, ये आपकी एक इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। नोएडा के ट्विन टावर सोक ट्यूब सिस्टम के तहत ध्वस्त किए गए, यानी मलबा पानी के झरने की तरह सीधे नीचे आया, और इस तकनीक के इस्तेमाल से आसपास की बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। ट्विन टावर को ढहाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में हर तैयारी की गई थी। रविवार दोपहर 2 बजे ही काउंटडाउन शुरू हुआ। पहले 2 बार सायरन बजा और तीसरा सायरन बजते ही जोरदार धमाका हुआ। पूरे बिल्डिंग का मलबा गिरता दिखा। धमाके के बाद काफी दूर तक धूल फैलती दिखी।
इस प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी फॉगिंग गन और 75 वाटर टैंक तैयार किए गए थे और धमाके के कुछ ही देर बाद एक्शन में आ गए। इस वक्त हम पहुंच गए हैं उसी टू टावर के पास जो अब से चंद सेकंड पहले पूरी तरीके से सभीदोष हो गया था। आपको जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसके बाद धुएं का गुब्बार पूरी सोसाइटी और आसपास के एरिया में जो है वो फैल गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से तैनात है। इसके अलावा पूरे इलाके के अंदर जो है वो जरिए पानी का जो है छिड़काव किया जा रहा है। ये एंटी स्मोक गन है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी भी धुएं का गुब्बार जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। किसी को भी जाने की इजाज़त जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पूरा का पूरा मुआयना जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी एंटी स्मोक गन के जरिए जो वो यहाँ पर स्प्रिंकलिंग जो है पानी की यहाँ पर की जा रही है। हालांकि थोड़ा सा मलबा जो है वो बाहर की तरफ जरूर आया था, लेकिन जिस तरीके से कहा गया था कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ब्लास्ट होगा तो आसपास की बिल्डिंग को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तस्वीरें भी जो है वो साफ तौर पर नजर आई कि किसी प्रकार का कोई नुकसान जो है वो आसपास की बिल्डिंग को जो है वो फिलहाल नहीं हुआ है। और अभी फिलहाल किसी को भी जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। धमाके से ठीक पहले आसपास के इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात थे, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। यमुना एक्सप्रेसवे भी करीब एक घंटे तक बंद कर दिया गया था। टावर के ऊपर 10 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन बनाया गया था। बिल्डिंग गिरने के कुछ ही देर बाद एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत मिली। इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य कर लिया जाए। नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पर हम जहां मौजूद हैं ट्रैफिक सामान्य हो चुका है। कुछ मिनटों के लिए रोका गया था, जो एयर ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है। अब सब कुछ फिर से व्यवस्था अपनी पटरी पर लौटी है, सब कुछ लौटा है कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि जो दोषी थे, जिन्होंने सपना देखा था यहां घर लेंगे, उनके साथ धोखा हुआ, घर टूट गया, आखिर अब उन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तभी होगा जिन जिन अधिकारियों ने कागज पर साइन किए, फाइल पर दस्तखत किए, ये इमारत खड़ी हुई जिसको टावर ऑफ करप्शन कहते हैं खड़ी हुई, जब तक वो जेल नहीं जाते इंसाफ नहीं मिलेगा। तमाम इंतजामों और तमाम भरोसे के बावजूद ट्विन टावर के आसपास के टावरों के लोगों के मन में डर था। यही वजह है कि तमाम लोग घरों की छत पर मौजूद रहे, भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को ध्वस्त होता देखते रहे। बिल्डिंग ढहने के बाद मलबा हटाने की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि पूरा मलबा हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। इस बीच धूल और धुएं के गुब्बार से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज तक पे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस समय जो धुआं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों के ऊपर जो ग्रेटर नोएडा नोएडा हाईवे है उसके ऊपर भी इस समय पानी छिड़का जा रहा है, सड़कों के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। जो पेड़ पौधे हैं जो इस समय धूल से ढक चुके हैं, क्योंकि हम बहुत पास हैं, जो डिमोलिशन साइट है वो लगभग यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 30 मीटर दूर है। तो इस समय ये पूरी एक कतार है जो आपको नजर आएगी। ये पहला ट्रैक्टर पानी का यहाँ से पास हो रहा है, विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पे, ये देखिए दूसरा ट्रैक्टर और ये देखिए स्मॉग। हम आपको स्मॉग मशीन भी दिखाते हैं जिसका इस्तेमाल अब शुरू हो जाएगा। जो धुआं है चित्रा, कोशिश यही की जा रही है कि पानी से पहले तो जो धूल है उसको कवर कर दिया जाए। और ये स्मॉग मशीन जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रहा है, अभी कोशिश की जा रही है कि जो धूल है उसको ढक दिया जाए, यही कोशिश हो रही है। यही कोशिश हो रही है। और यहाँ से कितने लंबी तक दूर तक आप लोग ये जो पानी का छिड़काव है वो कहाँ तक चलेगा? 1 किलोमीटर तक करेंगे हम लोग। 1 किलोमीटर तक करेंगे, क्योंकि धूल हवा उस तरफ की है तो सारी धूल जो उस तरफ ही गई है। अच्छा, जो हवा है उसके हिसाब से आप लोगों ने अनुमान लगाया कि धूल किस तरफ? बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लगभग तो जो पूरा रेडियस है तो लगभग जहाँ से टावर गिरा था कम से कम 10 किलोमीटर तक ये छिड़काव किया जा रहा है। जी जी नहीं, 10 किलोमीटर नहीं है ये। अच्छा, अभी जो शुरुआती तौर में हमारा ये शुरू के हमारी 2 किलोमीटर की रेडियस है उसके। अच्छा, में हम छिड़काव करेंगे तो पहले 2 किलोमीटर, उसके बाद अगर आवश्यकता जरूरत होगी तो हम आगे भी करेंगे। नोएडा के 2 ट्विन टावर जो सिस्टम को चिढ़ा रहे थे, करप्शन की कहानी बता रहे थे, उनका खेल खत्म हो गया है। दोनों टावरों पर ये एक्शन इंसाफ पर लोगों के भरोसे को मजबूत करेगा। सच्चाई की जीत की मिसाल बनेगा।
चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्य, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस ऑपरेशन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन तकनीक के दम पर नोएडा में दिखा दिया कि भ्रष्टाचार की बड़ी से बड़ी इमारत को चंद सेकंड के भीतर कैसे धराशायी किया जा सकता है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मन में भी डर था कहीं विस्फोट से उनकी इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे, मगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। एक बटन दबा और भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तेहार हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। सबकी नजरें टिकी हुई थी उसी धमाके पर। सब लोग दम साधे देख रहे थे कि कैसे होगा धमाका। जब धमाका हुआ तो कुछ यूं था माहौल। आज तक ने इस ऐतिहासिक लम्हों को अपने अंदाज में कवर किया। जिस तकनीक से ट्विन टावर को गिराया गया उस तकनीक को आज तक अपने कैमरों में दर्ज कर रहा था। इस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए 10 बड़े सीनियर इंजीनियर्स की टीम लगी हुई थी जो अपनी वर्क फोर्स के साथ यहां पर लगातार कोशिश करी हुई थी। 5 स्टेप्स के जरिए आज इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। झरने की तरह यह पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। आप देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब नोएडा का ट्विन टावर धड़ाम से गिरा है और हिंदुस्तान का हर एक वासी जो टीवी स्क्रीन देख रहा है वो इसका गवाह बना है। उम्मीद यही कि भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाए जाने की कोशिश की गई है उसके जरिए कम से कम अब दूसरे बिल्डर्स भी अपनी मनमानी को कम करेंगे, रोकेंगे और दोबारा इस तरह की तस्वीर नहीं बनेगी। धमाका होते ही ऐसे गुब्बार दिखा, सुनिए उनको जिन्होंने इस ट्विन टावर में लगे विस्फोटक का बटन दबाया था। इसका जो ये बताइए कि जो आखिरी क्षण था उस समय क्या लग रहा था, क्या दिल में थोड़ा सा डर था? नहीं, डर पहले 3 घंटे तो मैं बड़ा काम था, उसके बाद जब हमारी बातें आपस में होने लगी जेट डिमोशन के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, और मुझे अभी वो मोमेंट याद है, आई वाज सेटिंग एंड द स्मोकिंग एंड मिस्टर इयान केम टू मी और मुझे बोला गया यार यू आर टोटली स्ट्रेस फ्री। मैं या आई एम बट आई एम नॉट। वो घबराए हुए थे आप नहीं? उसका ये कहना बिकॉज द डिजाइन उनके थे, प्लानिंग्स उनकी थी, और जो उसने कहा कि आई एम नॉट, दैट मोमेंट आई गॉट टू स्ट्रेस, मैं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद लेकिन ठीक है, स्ट्रेस तो मुझे भी था, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा दिखा रहा था सुबह से लेकर शाम को। जब उन्होंने कहा तब आपके दिल में, तब आपको पहली बार थोड़ा सा लगा? लेकिन मैं शो कर रहा था आई एम स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस तो पूरी रात नहीं सोया था मैं, और स्ट्रेस फ्री तो नहीं था, लेकिन मैंने जो उसको शो किया कि आई एम स्ट्रेस फ्री, इट वाज बट आई एम स्ट्रेस्ड, तो थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। गुब्बार छटा तो सामने मलबे का पहाड़ था, चारों ओर मलबा ही मलबा। तस्वीरों में ये दरअसल ट्विन टावर, इसके मलबे तक हम पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है, जो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ट्विन टावर का मलबा जो आप इतना ऊंचा बिखरा हुआ यहां पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त की बड़ी ऐतिहासिक ये इमारत जिसको धराशाही कर दिया गया है, 9 सेकंड से भी कम का एक तरीके से कह सकते हैं वक्त लगा और ये पूरी इमारत जो है वो ढह गई है। हालांकि अब मलबे को साफ करने का काम देखिए यहाँ पर चलता हुआ, इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके के मलबा 3 इमारत तक, जैसा कहा जा रहा था कि इमारत जो है मलबा जो गिरा हुआ नजर आएगा, अब इसको समेटने के लिए अब ये माना जा रहा है कि 3 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है, पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि जो धूल का गुब्बार निकला है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। आप देखिए, जैसा कहा गया था कुछ उसी अंदाज में ये इमारत वाटरफॉल तकनीक के हिसाब से गिरी हुई नजर आ रही है। अगल बगल जो आप चादर देख रहे हैं जो इमारतों में पड़े हुए हैं उनका कलर यहाँ पर जरूर बदल गया है, लेकिन
ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आज तक उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से हम आपको मलबे की तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मलबे की ये तस्वीर। हालांकि यहां पर देखिए पानी के टैंकर जो है वो भी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें ये इतना मलबा है 80 टन बताया जा रहा है जिसको समेटने में अभी तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा। सुना आपने, कम से कम 3 महीने लगेंगे इस मलबे को हटाने के लिए। अंदाजा लगाइए कि मलबा करीब 3 मंजिला तक है। ट्विन टावर आपको वहां पर नजर आएगा और वहां से करीबन 400 मीटर की दूरी पर जो पूरा मलबा है वो यहां पर नजर आ रहा है। चारों तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि कहां तक ये मलबा जो है वो पहुंचा है। ये पूरा गार्डन एरिया यहां तक मलबा जो है वो पहुंच चुका है और लगातार जो नोएडा प्रशासन है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस मलबे की और उसकी जो धूल है वो लोगों को परेशान न करे। इसके लिए लगातार स्प्रिंकलिंग जो है वो पानी की तरफ से यहाँ पर तमाम एरियाज के अंदर जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से ये भी कहूंगा कि वो तस्वीरें ये भी दिखाएं कि किस तरीके से जो मलबा ट्विन टावर है वो किस तरीके से धराशायी हो चुका है। लगभग 3 से 4 मंजिल अभी मलबा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। सड़कों तक ये मलबा जो है वो पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सड़कों के बाहर जो बाउंड्री वॉल इस ट्विन टावर की थी वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। उसको बाहर तक ये मलबा जो है वो आ चुका है। धमाका हो चुका था और मलबे का ढेर लगा हुआ था। आशंका बार बार यही जताई जा रही थी कि धमाके से कहीं आसपास की इमारतों को तो नुकसान नहीं होगा। धमाके के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए। ट्विन टावर के बगल में रहने वाले जो लोग थे वहां से जानकारी आ रही है कि शीशे भी नहीं टूटे हैं, सब कुछ सुरक्षित है। ये जो आप लोगों को देख पा रहे हैं पूरी उत्सुकता के साथ, लेकिन एक बेचैनी भी थी जो यहां आए थे ये देखने कि उनके घर के आगे कितना बड़ा ढांचा गिर रहा है, आगे क्या होगा। अब सब मोबाइल में वीडियो साझा कर रहे एक दूसरे के साथ। कई लोगों ने घरों पे सीसीटीवी लगा के रखे, जो घर खाली करके गए उन्होंने सीसीटीवी लगा रखा था ये देखने के लिए कि नुकसान कितना हो रहा है। तो अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। आप लोगों ने आपस में जो बात की है जानकारी, सबसे पहले ये अनुभव साझा करें जो आपने देखा कि इतने समय तक आपके घर के आगे एक लंबी इमारत थी कुछ ही सेकंड में समतल हो गया, अब जो देख पा रहे मन में अभी भी चिंता है या आश्वस्त हो गए कि कोई नुकसान नहीं हुआ? अभी लगता तो है कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बार जाएंगे वहां पे अभी पता चलेगा क्या हाल है, लेकिन अभी लग रहा तो सब ठीक गया है और नुकसान हुआ नहीं है। मट्टी भी सब उड़ चुकी है, तभी धूल भी नहीं है। जब आप लोग आए थे तो मन में डर था और जब उसमें ब्लास्ट हो रहा था हाथ कांप रहे थे? आप लोग भी वीडियो बना रहे थे, हाथ कांप रहे थे या स्टेबल थे? नहीं, बिल्कुल कांप रहे थे और बस अब वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऑडिट रिपोर्ट आ जाए तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कुछ एक ये स्ट्रक्चर गिरा हुआ दिख रहा है रोड की तरफ, सो बस ये पता करना है कि बताया कि घर में कुछ लोग सीसीटीवी लगा करके गए थे कि आगे क्या होगा। हाँ, काफी लोग तो अभी तक उन्होंने बोला है कि कैमरा सब ठीक ठाक है, तो अभी बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी कुछ डैमेज नहीं हुआ हो किसी बिल्डिंग का, तो बस वही इंतजार है अभी सब रिपोर्ट्स का। डैमेज रिपोर्ट नहीं है किसी तरह, अभी तक नहीं है कोई भी। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर 2:30 बजे जमींदोज किया गया। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17,55,00,000 रुपए खर्च किए गए। नोएडा अथॉरिटी ने टावर को गिराने से जुड़े सुरक्षा मानकों का मुकम्मल इंतजाम किया। हालांकि खबरों की माने तो थोड़ा सा मलबा सड़क और एटीएस की दीवारों की ओर गया। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्ट क्लाउड बना था, लेकिन अब ट्विन टावर गुजरा हुआ कल है और भविष्य के लिए सबक भी कि बिल्डर्स की मनमानी नहीं चलेगी। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्य, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ट्विन टावर के खिलाफ लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, उन्हें भरोसा था कि एक न एक दिन वो जीतेंगे और हुआ भी यही। आज का दिन उनके लिए किसी जंग जीतने जैसा था। ऑपरेशन विस्फोट सफल हुआ तो वो लोग खुशी से झूम उठे, ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग थिरकने लगे, एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया।
जैसे ही ये भ्रष्टाचार की इमारत ढही, ढोल बजने लगे। लोग खुशियां मनाने लगे, तालियां बजाने लगे, नाचने गाने लगे। ये खुशियां इसीलिए मनाई जा रही थी क्योंकि डेढ़ दशक की लंबी लड़ाई के बाद ये दिन आया। जिन लोगों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी उनके लिए तो खुशी का दिन था ही, मगर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें ट्विन टावर के पास पहुंचने से मना किया था। बावजूद इसके लोगों का सैलाब उधर ही चला जा रहा था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ आप देखे कि चारों तरफ धूल का गुबार आपको दिखेगा। जहां पर सोसाइटीज थी, सारी सोसाइटीज इस समय धूल के बड़े से गुबार में हैं। और आप देखिए कि पुलिस बाकायदा यहां पर तमाम जो एजेंसीज है वो चौकस है और धूल के गुबार से निपटने के लिए जो तमाम एजेंसियां हैं। लेकिन दूसरी खास बात, सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी उन लोगों से है, बार बार पुलिस की अपील के बाद ये यहां पर इकट्ठा हुए थे और अब ये सीधे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर इन्हें नहीं जाना चाहिए। और साफ तौर पर देखिए लोगों का ये रेला लगातार पहुंच रहा है उस तरफ जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, लेकिन पुलिस और तमाम एजेंसीज चौकस हैं ताकि ये उस जगह पर ना जा सके। ट्विन टावर तो खत्म हो गया, मगर ट्विन टावर के खत्म होने के बाद भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कैसे करप्शन की सांठगांठ ऐसे इमारतों को खड़ा कर देती है, कैसे करप्शन के चलते आम आदमी को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो भ्रष्टाचार के पूरे खेल के असली कर्ता धरता है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इन इमारत का गिरना सच्चाई की जीत है। कई सालों से चले आ रहे संघर्ष की जीत है, एक लड़ाई जो यहाँ के लोगों ने लड़ी। ये लड़ाई उस धोखे के खिलाफ थी जो उन्हें मिला। इमारत ढहने के साथ ही जीत की आखिरी मोहर लग गई। कई साल से चले आ रहे संघर्ष को जीत मिल गई। लेकिन इस एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त बिल्डर, कर्मचारी, आर्किटेक्ट और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर एक्शन कब होगा? मिली भगत से भ्रष्टाचार वाला ये टावर ध्वस्त कब होगा? और जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। ट्विन टावर पर एक्शन के बीच नोएडा अथॉरिटी के उन 26 अधिकारियों की भी सूची सामने आई है जिनकी मिली भगत से ये पूरा खेल हुआ। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 3 पूर्व CEO मोहिंदर सिंह, SK द्विवेदी, RP अरोड़ा के नाम शामिल है। साथ ही सुपरटेक लिमिटेड के 4 निदेशक और 2 आर्किटेक्ट का नाम भी इस लिस्ट में है। ये इमारत भले ही ध्वस्त कर दी गई हो लेकिन इसके पीछे कई सवाल भी छोड़ गई कि आखिर कैसे करप्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बहुमंजिला इमारत का रूप लेता जाता है। करप्शन की ये कहानी नवंबर 2004 से शुरू होती है। सेक्टर 93A स्थित प्लॉट एमरल्ड पोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की अनुमति मिली। जमीन आवंटन के 2 साल बाद दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक का फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही टावरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। पहले 15 और फिर इनकी संख्या 16 हुई। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर
2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया, यानी करप्शन का ऐसा कारवा शुरू हुआ तो दिनों दिन बढ़ता गया, भ्रष्टाचार ऊंची इमारतों का रूप लेता गया और जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। सोसाइटी के रहने वालों ने भी इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, कानूनी लड़ाई लड़ी, पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सही ठहराया, नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बिल्डिंग को गिराने के आदेश सुनाए। अब नोएडा के ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद बीजेपी पिछली सरकारों पर सवाल उठा रही है, जिसके चलते ये दो टावरों का निर्माण हुआ है। ये तो मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी और उस समय ये इमारत को बनाने के लिए छूट दी गई और इस इमारत को बनाने के कारण जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण अगर करने का काम किया गया तो सरकार के माध्यम से किया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है और इन्होंने नैतिकता का भी त्याग कर दिया है, इस पे जवाब देना चाहिए इनको। इन हमलों का समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया और बीजेपी नेताओं पर आरोप मढ़ दिया। ये ट्विन टावर तुड़वाने का फैसला न्यायालय का है, भाजपा ही तो इस गुनाह में सहयोगी की भूमिका में थे, अब पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं और विपक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं। अब धमाकों के साथ ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है, 32 और 30 मंजिला इमारत धमाके के साथ जमीन पर आ चुकी है, लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, जिससे लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी, आखिरकार भ्रष्टाचार वाले टावर को ढहाना पड़ा। चित्रा त्रिपाठी, अर्पित आर्य, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।